अब जो रैपिडली प्रोग्रेसिव स्पर्म्स हैं वो देखा ये क्या कि अगर आपके रैपिडली प्रोग्रेसिव स्पर्म 20 मिलियन से ज़्यादा हैं, 20% से ज़्यादा हैं, यानी अगर आपके 100 स्पर्म्स हैं उनमें से 20 वो हैं, मिनिमम 20 जो कि 30 मिनट के अंदर अंदर ट्रैवल कर लें, जिनकी रैपिडली प्रोग्रेसिव हैं, तो आपके अंदर नेचुरल प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत हैं। लेकिन अगर इससे कम हैं तो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर नायला, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट, इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट गायनी सॉल्यूशन के फोरम से। आज हमने जिस टॉपिक पर बात करनी है वो बहुत ही रिक्वेस्टेड टॉपिक है, सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट को किस तरह से पढ़ा जाए, यानी जो मेल की रिपोर्ट होती है कैसे पता चलाया जाए कि ये रिपोर्ट ठीक है या नहीं ठीक है। तो WHO ने रिसेंटली 2015-16 के अंदर अपनी गाइडलाइंस के अंदर सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट के जो रीसेंट पैरामीटर्स दिए हैं, आज हम उसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले जब आप कोई भी रिपोर्ट देखते हैं सीमन एनालिसिस की, तो उसके अंदर शुरू के अंदर कुछ दिए होते हैं कि कलर ऑफ सीमन कैसा था, लिक्विफिकेशन कितना टाइम था उसका, कि लिक्विफाई कितनी देर में हो गया वो, उसके अंदर कोई एपिथेलियल सेल्स, कोई रेड ब्लड सेल्स, कोई पस सेल्स नहीं है, या कुछ है, ये सारी चीज़ के पैरामीटर्स लिखे होते हैं। तो उसके अंदर हर लैब की वैसे नॉर्मल रेंज भी लिखी होती है, लेकिन ये पैरामीटर्स जो होते हैं ये मोस्टली इनके अंदर लिक्विफिकेशन टाइम जो होता है वो 30-45 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी 30-45 मिनट के अंदर अंदर सीमन को कॉगुलेट कर जाना चाहिए, जम जाना चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपके अंदर सीमन के अंदर कोई रेड ब्लड सेल्स नहीं होने चाहिए। पस सेल्स 2-4 तक के पास सेल्स टॉलरेबल हैं, लेकिन अगर 4 से ज़्यादा पास सेल्स आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपके अंदर इन्फेक्शन चल रहा है, डिडिमोर्काइटिस है या यूरिथ्राइटिस चल रहा है, जिसकी वजह से, क्योंकि स्पर्म का सेम रास्ता वो यूज़ करते हैं, अगर आपको UTI चल रहा है तो स्पर्म्स जो हैं वो उनके अंदर इन्फेक्शन की वजह से रिएक्टिविटी होती है और उनकी क्वालिटी ख़राब होने का खदशा होता है। और एपिथेलियल सेल्स भी मोस्टली निल होते हैं, लेकिन 1-2 की रेंज तक हम उसको कहते हैं कि वो ठीक है। इन सारी डिटेल्स के बाद अब आगे 3 मेजर कॉलम आते हैं। नंबर 1 टोटल काउंट, कि कितना है टोटल काउंट, कितने स्पर्म्स जो हैं वो मौजूद हैं। उसके अलावा कितनी उसकी वो है मोटिलिटी है, और मॉर्फोलॉजी। ये 3 खाने अब बहुत मोटे मोटे हैं। नॉर्मली जो स्पर्म सीमन दिया जाता है वो तकरीबन वो कहते हैं कि जी 1 ml से लेके 3 ml तक, या कहीं कुछ लैब्स के अंदर 5 ml तक की रेंज का जो होता है वो नॉर्मल होता है, कुछ 1.5 ml तक कहते हैं कि वो नॉर्मल है। लेकिन जो काउंट होता है वो पर ml, 1 ml के अंदर कितने मिलियन काउंट है, ये मैटर करता है। अगर आपका टोटल काउंट 15 मिलियन पर ml है, यानी 1 ml के अंदर 15 मिलियन है, और जो टोटल सैंपल आया है उसके अंदर 39 मिलियन काउंट है, तो इसका मतलब ये है कि आपके अंदर नेचुरल कंसीव करने के चांसेस हैं। थोड़ा टाइम लग सकता है, ठीक है, थोड़ी सी मेडिसिन से इम्प्रूवमेंट करवाई जा सकती है, लेकिन ये नॉर्मल रेंज है, यानी कि WHO ने इस रेंज तक नेचुरल प्रेगनेंसीज होती हुई देखी हैं, तो लिहाजा उन्होंने कहा कि 15 मिलियन 1 ml के अंदर हो, और 39 मिलियन टोटल अगर सीमन जितना दिया गया है उसमें अगर काउंट आ जाता है तो उसका मतलब है कि आप ट्राई करते रहें, चाहे आप नेचुरली कभी ना कभी कंसीव कर लेंगे, लेकिन उसमें ये नहीं कहा गया हुआ कि फ़ौरन कंसीव कर लेंगे। यानी अगर किसी का 1 ml के अंदर 60 मिलियन है या 70 मिलियन है और एक का 15 मिलियन है तो वो बराबर नहीं है। सिर्फ क्या है कि उनके अंदर ट्राई करते रहें, अगर उनकी बेगम की एज ज़्यादा नहीं है तो वो ट्राई करते रहें, उनके अंदर कंसेप्शन हो जाएगी नेचुरली, अच्छे चांसेस हैं। अच्छा, अब इसके बाद अगर आपका काउंट, बहुत सारे लोग सिर्फ काउंट देखते हैं और खुश हो जाते हैं जी मेरे तो इतने मिलियन काउंट है, उसके बाद अब नेक्स्ट क्या आती है, मोटिलिटी। मोटिलिटी का मतलब ये है कि जो स्पर्म आपके निकले हैं वो हरकत भी कर रहे हैं, वो ट्रैवल करके सर्विक्स, यूट्रस और ट्यूब से होते हुए अंडे तक पहुंच भी पाएंगे कि नहीं, यानी वो मोटाइल भी हैं कि नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब जो मोटिलिटी होती है वो 4 तरह की होती है। नंबर 1 इज रैपिडली मोटाइल। रैपिडली मोटाइल का मतलब ये है कि वो इंटरकोर्स के आफ्टर 30 मिनट दे विल बी इन द ट्यूब्स, और अगर अंडा मौजूद है तो उसको फर्टिलाइज कर देंगे।
नंबर टू आर नॉन रैपिडली प्रोग्रेसिंग, या रैपिडली प्रोग्रेसिंग को फॉरवर्ड प्रोग्रेशन भी कहते हैं, रैपिड फॉरवर्ड प्रोग्रेशन भी कहते हैं, और नॉन रैपिड फॉरवर्ड. नॉन रैपिड का मतलब ये है कि वो मूव ज़रूर कर रहे हैं लेकिन उनकी जो स्पीड है वो कम है, उनके अंदर एनर्जी लेवल्स कम हैं. मे बी वो ट्यूब तक पहुंच पाए लेकिन दे विल रीच, थोड़ा टाइम लगेगा उनको, और उनके अंदर एग को ड्रिल करने की कैपेसिटी कम है. दूसरे होते हैं, थर्ड तीसरे नंबर वाले होते हैं जिनको हम कहते हैं नॉन फॉरवर्ड प्रोग्रेशन या नॉन प्रोग्रेसिव भी कहते हैं. अब ये क्या होते हैं कि अपनी जगह पे हिलजुल तो ज़रूर कर रहे हैं लेकिन फॉरवर्ड प्रोग्रेशन नहीं करते. इन स्पर्म्स की का कोई फ़ायदा नहीं है, ये इक्सी में तो इस्तेमाल हो सकते हैं लेकिन नेचुरल प्रेगनेंसी में इनका कोई रोल नहीं देखा गया. अब जो इमोटाइल स्पर्म हैं वो हैं जो कि जिनमें कोई हरकत, कोई जान, कोई कुछ देखी नहीं गई है, तो वो उधर की पड़े हैं, उन्होंने मूव नहीं करना. ये स्पर्म भी अलाइव अगर हैं तो ये इक्सी में काम आ सकते हैं लेकिन खुद जाके स्पर्म को फर्टिलाइज नहीं कर सकते. अब जो रैपिडली प्रोग्रेसिव स्पर्म्स हैं वो देखा ये क्या कि अगर आपके रैपिडली प्रोग्रेसिव स्पर्म 20 मिलियन से ज़्यादा हैं, 20% से ज़्यादा हैं, यानी अगर आपके 100 स्पर्म्स हैं उनमें से 20 वो हैं, मिनिमम 20 जो कि 30 मिनट के अंदर अंदर ट्रैवल कर लें, जिनके रैपिडली प्रोग्रेसिव हैं, तो आपके अंदर नेचुरल प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत हैं. लेकिन अगर इससे कम हैं तो इसके अंदर चांसेस कम हैं. अच्छा, इसी तरह से अगर आपके टोटल जो आपके प्रोग्रेसिव और नॉन प्रोग्रेसिव हैं, प्रोग्रेसिव रैपिडली और स्लो प्रोग्रेशन की जो टोटल परसेंटेज है वो 46 है लेकिन उसमें रैपिड का 20 होना लाजमी है. देखा गया है कि अगर आपका रैपिड काउंट 20% से कम है, 15% है, तो आपके अंदर प्रेगनेंसी बहुत लेट होगी. इस तरह के पेशेंट को हम कहते हैं कि आप IUI करा दें. IUI क्या करते हैं कि सारे जो हेल्दी स्पर्म, जो चुस्त स्पर्म है वो उठा के हम यूट्रस के एंड तक छोड़ाते हैं, बाकी का हिस्सा वो ट्रैवल करके और अंडे को फर्टिलाइज कर देते हैं, प्रेगनेंसी के चांसेस बेहतर हो जाते हैं. तो लिहाजा जो टोटल स्पर्म मोटिलिटी है दैट शुड बी मोर देन 46%, और उसके अंदर जो रैपिडली प्रोग्रेसिव हैं और जो स्लो प्रोग्रेशन है उनकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है. जो बाकी दोनों हैं नॉन प्रोग्रेसिव और इमोटाइल, उनको इक्सी में यूज़ किया जा सकता है, उनका नेचुरल प्रेगनेंसी के अंदर कोई रोल नहीं है. अब थर्ड पैरामीटर जो आ जाता है वो ये है कि मॉर्फोलॉजी. WHO ने देखा कि अगर आपके मॉर्फोलॉजी का मतलब ये है कि नॉर्मल दिखने वाले स्पर्म, अगर एक नॉर्मल स्पर्म का आप स्ट्रक्चर देखें उसमें एक हेड होता है और नीचे उसकी क्या होती है, टेल होती है, तो ये नॉर्मल स्पर्म 4% या 4% से ज़्यादा होना ज़रूरी है फॉर नेचुरल प्रेगनेंसी. अगर ये 4% या 4% से कम होंगे तो इसका मतलब ये है, 4% से कम होंगे तो फिर इसका मतलब यह है कि नेचुरल प्रेगनेंसी इज़ वेरी डिसलाइकली. इस पर हमें काम करने की ज़रूरत है. और इसके अंदर फोर बाकी क्या होंगे, किसी की टेल नहीं होगी, किसी की टेल बहुत लंबी होगी, किसी की टेल छोटी होगी, किसी के दो हेड होंगे, किसी के एक हेड के साथ दो टेल्स लगी होंगी, यानी बाकी सारे स्पर्म्स जो हैं वो मॉर्फोलॉजिकली नॉर्मल नहीं हैं. अगर आपके 4% या 4% से कम हैं तो 4% को हम मार्जिन दे देते हैं नेचुरल प्रेगनेंसी का, उनमें हम वेटेंसी की पॉलिसी कर लेते हैं, लेकिन अगर आपके 4% से कम है तो उनको हम कहते हैं कि आपके अंदर नेचुरल प्रेगनेंसी के चांसेस कम हैं, टाइम को वेस्ट ना करें. एक चीज़ मैं ये कहना चाहूँगी वो ये है कि आप में से हर मेल जो शादी करने जा रहा है उसको चाहिए कि अपना सीमन एनालिसिस एक दफ़ा पहले करवा के किसी एक्सपर्ट डॉक्टर को दिखा ले, बजाय इसके कि बाद में, क्योंकि आजकल मैरिजेस लेट हो रही हैं. अब जब भी लोग शादी कर रहे हैं तो उस वक्त उनका जो इंटेंशन होती है वो बच्चा होता है कि जी हमने बच्चा पैदा करना है, अब हमने बाकी सारे काम कर लिए हैं, हमने अपना करियर बना लिया है, नाउ इट्स टाइम टू हैव अ फैमिली. तो पहले ज़रूर कर लें बजाय इसके कि आप शादी के साल के बाद इन्वेस्टिगेट हों और पता चले कि आपके अंदर कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि आप जितने भी फर्टिलिटी कंसल्टेंट्स हैं जब उनके पास कपल जाता है तो वो सबसे पहले मेल का टेस्ट कराते हैं, क्योंकि एक सिंपल टेस्ट है मेल का जिसमें 50% वर्कअप हो जाता है. यानी अगर आपका वो टेस्ट ठीक है तो इसका मतलब है एज ए कपल 50% आप नॉर्मल है, अब आपने बाकी एफर्ट करनी है फीमेल के ऊपर. लेकिन छोटे शहरों के अंदर अनफॉर्चुनेटली देखा यह गया है कि सारा जो ध्यान है वो औरत का रखा जाता है और मेल का टेस्ट नहीं कराया जाता. जब हम करवाते हैं तो उसके अंदर प्रॉब्लम देखने में मिलते हैं.
जब भी कभी आप अपना टेस्ट करवाएं तो किसी रिलायबल जगह से करवाएं। ये बड़ा ही सेंसिटिव टेस्ट होता है, इसके लिए बकायदा एम्ब्रियोलॉजिस्ट और ट्रेंड टेक्नीशियंस होते हैं जो इसको कर सकते हैं। छोटी छोटी लैब्स के अंदर से ना करवाएं, ये कोई बहुत महंगा टेस्ट नहीं होता है। अच्छी से अच्छी जगह से भी कराएंगे तो ऑलमोस्ट 2000 में ही आपका टेस्ट हो जाएगा। तो कोशिश करें कि अच्छी जगह से कराएं बजाय इसके ख़राब जगह से करवा के फिर भी जब आप किसी के जाएं तो आपको अच्छी जगह से ही करवाएं, तो पहले ही अपना टेस्ट जो है वो एक अच्छी जगह से करा लें। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसके अंदर कुछ अगर क्वेश्चन क्वेरीज हैं तो ज़रूर बताइए, मैं इनमें से सारे आपके क्वेश्चन इकट्ठे करके इस पर एक और वीडियो आई कैन मेक अनदर वीडियो फॉर यू। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो की समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।